धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदय, आज एक चिकित्सा का महत्वपूर्ण विषय था, उस पर चर्चा हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं हुई है और बहुत सारे ज्ञान भी बांटे गए हैं। ज्ञान उस तरफ से बांटे गए जो अभी अभी 5 साल सत्ता में रह करके उधर जाकर के बैठे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे ज्ञान बांटे गए हैं। मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ इस सदन में भिलवाड़ा मॉडल की बात भी चली थी। भिलवाड़ा मॉडल जो पूरे देश में कोरोना के समय में चरितार्थ हुआ था, उसमें उस समय जो स्थितियाँ थी वो हमने हमारी आंखों से देखी, हमारे परिवार के परिवार नष्ट हो गए थे, उसमें मेरा परिवार भी था सभापति महोदय। उस समय आज यहाँ बहुत सारी बातें हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सर्वे करवाएं और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा क्वारंटाइन को इस राजस्थान में कौन व्यक्ति रहा, तो उसमें नाम निकल के आएगा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का। वो पूरे समय कोरोना के समय में केवल और केवल मात्र क्वारंटाइन थे और आधे समय में होटलों में जाकर के ऐश कर रहे थे, उस समय वहां गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे, वीडियो आए थे, हम सब ने देखे हैं। सुन लो, आप नहीं थे उस समय, हम थे। सुन लो, थोड़ा सुनना सीखो, आप सुन लो पहले। सभापति महोदय, उस समय कोरोना के समय में पूरी की पूरी सरकार होटलों में नाच डांस कर रही थी। अगर फील्ड में कोई कार्यकर्ता था तो हमारे विचार परिवार के लोग थे, चाहे वो संघ परिवार के लोग हो, चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, चाहे भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, एक एक कार्यकर्ता उस समय गलियों में था और लोगों की सेवाएं हम लोग कर रहे थे। पूरी की पूरी सरकार उस समय होटलों में थी। आज आप ज्ञान बांट रहे, कोरोना की बात करते हैं, भिलवाड़ा मॉडल की बात करते हैं। भिलवाड़ा में उस समय के तत्कालीन कलेक्टर साहब जो राजेंद्र जी भट्ट हुआ करते थे, उन्होंने जो व्यवस्थाएं उस समय संभाली, एक एक कार्यकर्ता को वहां बुला करके, एक एक व्यक्ति को वहां बुला करके, हम सब लोगों की वो दिन में दो दो तीन तीन बार मीटिंग लेते थे और हमको काम देते थे। और पूरे के पूरे हम भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे विचार परिवार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग उस समय उनके कहे अनुसार प्रत्येक गांव गांव डाणी डाणी में जाकर के हमने लोगों की सेवा करी है। और आज आप कोरोना की बात कर रहे हैं, आप चिरंजीवी की बात करते हैं, चिरंजीवी का क्या हश्र हुआ है? 5 लाख का इलाज, 10 लाख का इलाज, 25 लाख का इलाज, बहुत सारी घोषणाएं हुई है, लेकिन सभापति महोदय, धरातल पे स्थितियां ये थी कि कोई भी पेशेंट बीमार होता था उसको हॉस्पिटल में लेके जाते थे, गरीब आदमियों की वहां सुनवाई नहीं होती थी और हम लोगों के पास फोन आते थे, हम लोग हॉस्पिटल में बात करते थे। उस समय हॉस्पिटल वालों का कहना यह होता था कि सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया है, आप विधायक हो तो सरकार से हमको पैसा दिलो, उसके बाद हम इलाज करेंगे चिरंजीवी में। ये स्थितियां उस समय थी। आज आप चिरंजीवी की बात कर रहे हो। सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी पूरा समय हो जाएगा, इन्होंने जो 5 साल में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ सदन में आकर के भाषण देने से काम नहीं चलता, धरातल पे आप लोगों ने काम नहीं किया है तब जाकर के आज आपकी स्थिति ये हुई कि आज आप वहाँ बैठे हो। आदरणीय मंत्री महोदय यहाँ विराजे हैं, मेरा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय, लकवा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो किसी भी समय कभी भी किसी को भी हो सकती है। मेरा निवेदन रहेगा आपसे, इसका एक इंजेक्शन आता है जिसकी ट्रेनिंग होती है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में जितनी भी हमारी CSC हैं उन CSC में इसकी ट्रेनिंग कराई जाए, उस इंजेक्शन के लगाने की, ताकि लकवा जैसी गंभीर बीमारी से हम लोगों को निजात दिला सके। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अब कुछ मांगे मेरी है, मेरी विधानसभा की, जो मैं आपके बीच में रखूँगा। मंत्री जी के ऊपर आ गया। मेरे आसिंद CSC, आसिंद बहुत बड़ा शहर है सभापति महोदय, और आसिंद की भिलवाड़ा जिले की दूरी लगभग 58 किलोमीटर होती है। 58 किलोमीटर से पहले किसी भी तरह की कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, जब आपका रिप्लाई आवे तो मेरा निवेदन रहेगा कि आसिंद CSC को आप उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करेंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी, क्योंकि 60 किलोमीटर से पहले कोई किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आसिंद
सीएचसी को आप उप जिला अस्पताल आज ही जब आप रिप्लाई दें उस समय घोषित करें। और मेरा एक निवेदन और है, ब्राह्मणों की शरीर में पीएचसी है और कौलियास में भी पीएचसी, दोनों की दोनों हाईवे रोड पे है, एक आसिन से भिलवाड़ा रोड पे और एक गुलाबपुरा से भिलवाड़ा रोड पे, दोनों हाईवे पे है। दोनों पीएचसी को सीएचसी में आप क्रमोन्नत करेंगे तो आप यति मेहरबानी होगी। और बादशी एक बहुत बड़ा एरिया है आदरणीय सभापति महोदय, जो पहाड़ों पे बसा हुआ है, अरावली की पहाड़ियों पे बसा हुआ पूरा एरिया है, वहाँ केवल मंगरा के अलावा धरा जमीने जैसी कोई स्थिति नहीं है, ना वहाँ बसें चलती है ना कोई सुविधा है, वहाँ बहुत सारे लोग पहाड़ों के ऊपर बसते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि बादशी और बरसनी और कटार वहाँ केवल सब सेंटर है, दूर दूर तक 20-20 किलोमीटर तक कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इन तीनों सब सेंटरों को आप पीएचसी में अगर घोषित करेंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। एक मरेवड़ा जो आसिंद विधानसभा का बॉर्डर का गांव है, करेड़ा और आसिंद के बीच में, वहाँ भी कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा जब आप रिप्लाई देवें तो वहाँ एक नवीन सब सेंटर, जो एक बहुत ही छोटा सा काम है, एक नवीन सब सेंटर आप मुझे दे देंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। और आसिंद के लिए आदरणीय एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आसिंद में सीएससी की नई बिल्डिंग के लिए हमने जगह भी देखी है, नगर पालिका ने भी हाँ भर ली है, वहाँ जगह हमको मिल सकती है। अगर आप नई बिल्डिंग वहाँ सेंक्शन करके एक नई बिल्डिंग दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। और मेरा एक विशेष तौर से निवेदन और रहेगा, जहाँ जहाँ मेरे एरिया में डॉक्टर नहीं है वहाँ आप डॉक्टरों की भर्ती पूरी करें, और जो भी चिकित्सा कर्मियों की जो कमी है उनको भी आप पूर्ति करें, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आसिंद और गुलाबपुरा दोनों शहर है, दोनों ही जिला हेडक्वार्टर से लगभग 58-60 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ अगर चिकित्सा कर्मी पूरे होंगे तो वहाँ गुलाबपुरा एरिया भी मेरा एक इंडस्ट्रीज एरिया है और आसिंद में भी माइनिंग का एरिया है सभापति महोदय, वहाँ भी अगर आप डॉक्टरों की जो कमी है उनकी पूर्ति करेंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।